नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भू दस्तावेजों के आवेदन को लेकर भू मंत्री का निर्देश, ऑनलाइन आवेदन का 3 महीने में होगा निपटारा। भू दस्तावेजों को जमा करवाने में रैयतों को नहीं होगी परेशानी। 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट पाए गए फर्जी, 23,000 से भी ज्यादा के प्रमाण पत्र संदिग्ध, काउंसलिंग में शामिल नहीं होने वाले को दोबारा मिलेगा समय। बिहार ने केंद्र को बाढ़ राहत कार्यों के खर्च का भेजा ब्यौरा, 1187 करोड़ रुपए की बकाया रकम की मांग। तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए बिहार ने केंद्र से मांगी मदद। बिहार में 4 सीटों पर होगा उपचुनाव, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, 25 अक्टूबर तक नामांकन, 13 नवंबर को चुनाव। जिस मैदान पर 46 रन पर ढेर हुई भारतीय टीम, उसी मैदान पर भारतीय मूल के रचिन ने जरा शतक, न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन के चौके छक्के की बौछार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्व एवं भू सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन को आगामी 3 महीने के अंदर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। भू सुधार मंत्री का ये आदेश प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच आया है। उन्होंने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन अंचलों में दाखिल, खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा है, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि जमीन सर्वे के लिए रैयतों को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा कराने के लिए असुविधा ना हो। आपको बता दें कि आजादी के से पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथलिपि की ट्रेनिंग देने की दिशा में भी काम जारी है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में होने वाले हैं। निर्वाचन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आज से कैंडिडेट के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये नामांकन 25 अक्टूबर तक चलेगा। चारों सीटों पर 13 नवम्बर को उपचुनाव होंगे और 23 नवम्बर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि भोजपुर के तरारी और कैमूर के रामगढ़ में बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार रही है। वहीं गया के इमामगंज से हम पार्टी के प्रत्याशी और बेलागंज के में जदयू के प्रत्याशी एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा महागठबंधन में 3 सीटों पर राजद अपने प्रत्याशी उतार सकती है, तो वहीं तरारी सीट पर सीपीआई माले के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जन सुराज पार्टी तरारी सीट से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कृष्ण सिंह को चुनावी मैदान में उतार रही है। जल्द ही बेलागंज और इमामगंज में भी जन सुराज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसके लिए सभी भू अर्जन पदाधिकारियों को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत रैयतों को उनके जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे का भुगतान समय पर और पूर्ण रूप से करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि कई बार खतियानों में पुरानी जानकारी होने के कारण मुआवजे का निर्धारण करने से परेशानी होती है। डीएलएओ को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि खतियानों को अद्यतन करें, जिससे मुआवजे की राशि का सही आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमीन को खतियान में कृषि भूमि दिखाया गया है और उसका उपयोग फिलहाल आवासीय उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो मुआवजे की गणना भी इसी आधार पर होगी। बिहार सरकार ने 1187 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार से की है। ये बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च हुए रकम है। इसकी रिपोर्ट जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली जाकर सौंपी। रिपोर्ट में इस साल बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च के साथ बकाया राशि की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बाढ़ से बचाव के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत सहायता राशि देती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार सरकार के अनुरोध पर 6 नवंबर को बैठक बुलाई है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए किए गए कार्य पर खर्चे की राशि आदि पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नेपाल बॉर्डर इलाके में बाढ़ की तबाही को कम करने के लिए 148 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसका भुगतान केंद्र की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र से तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने और नदी की तरफ पत्थर लगाने के लिए भी सहायता मांगी है। 25 अक्टूबर से इसकी डीआरपी तैयार की जाएगी।
बिहार में जहरीली शराब कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक जहरीली शराब के कारण सिवान और छपरा में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब गोपालगंज में भी जहरीली शराब के कारण एक के मौत की खबर सामने आई है। सिवान में अब तक सबसे ज्यादा 24 लोगों को जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं छपरा में 14 तो गोपालगंज में एक की मौत हुई है। वहीं जहरीली शराब के कारण बीमार पड़े 32 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोगों की मौत मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल से बनी शराब के कारण हुई है। हालांकि इस मामले में सरकार ने जांच और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल शराब माफिया समेत 42 लोगों को पकड़ा गया है। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। प्रदेश के 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया में फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा 23,801 नियोजित शिक्षकों के एक या एक से ज्यादा प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। इन संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच होगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। जो शिक्षक काउंसलिंग से गैर हाजिर थे, उन्हें दोबारा काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही तारीख जारी कर दी जाएगी। संदिग्ध प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय स्तर से गठित समिति द्वारा की जाएगी। 4G 5G की उपलब्धता, इंटरनेट गुणवत्ता और बेहतर स्पीड के मामले में निजी एनालिटिक्स एजेंसी ओपन सिग्नल ने टॉप 50 शहरों का इंडेक्स तैयार किया है। इस मामले में श्रीनगर देश के अव्वल स्मार्ट सिटी में आया है। वहीं राजधानी पटना इस मामले में 5वें नंबर पर है, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे विकसित मेट्रो शहर भी पटना से पिछड़ गए हैं। इस मामले में दिल्ली 13वें तो वहीं मुंबई 28वें स्थान पर है। नेटवर्क की बेहतर गुणवत्ता आंकने के लिए इसमें बिना किसी बाधा के वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, पब्लिक सेफ्टी अलर्ट्स, रियल टाइम डेटा शेयरिंग जैसी चीजों में मोबाइल जरूरतों में नेटवर्क से कितनी मदद मिलती है, इसे देखा गया है। इसके अलावा ई गवर्नेंस, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन जैसी डिजिटल सेवाओं की डाउनलोड स्पीड को भी देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। नए एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन की प्रतीक्षा कर रहे लोग उत्साहित हैं। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को नए सिविल टर्मिनल का निर्माण करने का ठेका दिया गया है, जिसकी लागत 912 करोड़ रुपए होगी और इसे 54 एकड़ में 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि नए टर्मिनल से यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी, जिसमें 14 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। एयरपोर्ट NH-27 से जुड़ा रहेगा, जिससे यात्री ट्रैफिक जाम से बच सकेंगे। सांसद ने इसके लिए पीएम मोदी की सराहना की है। बिहार सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। इन्हीं में से एक है मधुमक्खी पालन योजना। इस योजना के तहत किसानों को 75% से 90% तक का अनुदान मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। इस योजना में प्रत्येक किसान को 20 से 50 बॉक्स दिए जाएंगे। मधुमक्खी पालन पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, जिससे किसान प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सामान्य वर्ग के प्रशिक्षित किसानों को 75% और ओबीसी वर्ग के किसानों को 90% अनुदान मिलेगा। मालूम हो कि प्रत्येक बॉक्स की कीमत 4,000 रुपए के करीब में है। आज दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस अवसर पर दरभंगा राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर महोत्सव के संयोजक राजेंद्र प्रसाद और अन्य मौजूद थे। आज के महोत्सव में 3 सत्रों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रासंगिकता और आर्थिक चिंतन पर भारतीय दृष्टिकोण जैसे विषय शामिल रहे।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पटना और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ये छापेमारी एक पुल बनाने वाली एसपी सिंगला कंपनी पर चल रही है। कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही। बता दें कि बिहार में सिंगला कंपनी द्वारा 8 पुल बनाए गए थे। वहीं भागलपुर के अगुवानी घाट पुल को भी इसी कंपनी ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से पिछले साल बनाया था। ये पुल 2 बार ढह गया, जिसके बाद कंपनी का नाम सुर्खियों में आया था। कंपनी पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। आने वाले दिनों में सड़क मार्ग से पटना से बेतिया का आवागमन आसान होने वाला है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के 1712.33 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नेशनल हाईवे 139W को इस प्रोजेक्ट के तहत चौड़ा किया जाएगा, जिससे पटना एम्स से बेतिया तक का सफर महज 3 घंटे में पूरा कर सकेंगे। अभी पटना से बेतिया जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट की लंबाई 44.65 किलोमीटर है, जिससे मानिकपुर से साहिबगंज तक चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इससे वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले को भी फायदा होगा। इन जिलों के धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा पुल, 3 फ्लाईओवर, 25 अंडरपास और 1 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जाना है। बिहार के दरभंगा में चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला ने नवजात को जन्म दिया। सहरसा से लहेरिया सराय आ रही ट्रेन संख्या 055548 में यात्रा कर रही मीना कुमारी, जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा हुई। यात्रियों ने तुरंत RPF को सूचित किया, जिसके बाद रेलवे डॉक्टर ईजा मिश्रा और सहायक कर्मी चिंटू ट्रेन में पहुंच गए और महिला की मदद की। प्रसव के बाद जच्चों और बच्चों को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति स्थिर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और समस्तीपुर स्थित DRM कार्यालय ने इस घटना को सोशल मीडिया पर साझा कर खुशी जाहिर की है। मीना ने बताया कि रेलवे के डॉक्टर और पुलिस ने उनका बहुत सहयोग किया, जिसमें प्रसव प्रक्रिया आसान हो गई। बिहार के भागलपुर में सृजन घोटाले में फंसे जिला भू अर्जन विभाग के लिपिक राकेश कुमार झा को उनकी बर्खास्तगी के लिए बरकरार रखा गया है। इस मामले में सख्त मिजाज के IAS अधिकारी के पाठक ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई है। के पाठक, जो वर्तमान में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन है, के पाठक ने DM द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया है। CBI जांच में राकेश कुमार के सृजन घोटाले में संलिप्तता साबित हुई है, जिससे चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। DM और प्रमंडलीय आयुक्त ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। सृजन NGO के खाते में जिला भू अर्जन कार्यालय के सरकारी खाते से 200 करोड़ रुपए से भी अधिक का ट्रांसफर किया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में जहां भारतीय बल्लेबाज 46 रन पर ढेर हो गए, वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे भारतीय मूल के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने विध्वंसक बैटिंग से सबको चौंका दिया। उन्होंने टेस्ट मैच के 3रे दिन शतक ठोक डाले। इसमें 124 गेंदों में उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाने वाले शतक को पूरा किया। इसमें उन्होंने 124 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्के लगाकर शतक को पूरा किया। आपको बता दें कि वर्ष 2012 के बाद भारतीय मैदान पर शतक लगाने वाले रचिन पहले बल्लेबाज हैं। इससे पहले इसी मैदान पर रॉस टेलर ने 113 रनों की पारी खेली थी। वहीं बता दें कि न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर समाप्त हो गई है, जिसके बाद भारत पर 356 रन की बढ़त बना ली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, नंद कुमार सिंह, अमित कुमार धीरज, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, छोटू राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, गुनर शर्मा, रोशन भास्कर, संजीव कुमार, रवि कुमार, प्रिंस कुमार, विमल, मोहम्मद तौकीर, रंजीत सिंह, ओमकार सिंह, अनवर करीम खान, रवि कुमार राज, मनीष कुमार, रवि कुमार राम, सीमा कुमारी, सादिक हुसैन, दीपक कुमार, मोहम्मद असलम, अर्जुन राम, तुलसी ऋषिदेव, रविशंकर शाह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है,
आपके क्षेत्र में किस कंपनी की इंटरनेट स्पीड सबसे बेहतर है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।